256 की पावर है 0.16 इंटू 256 की पावर यहाँ पर है 0.09, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 1664 256.25, इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 256 और पावर 0.16 और 0.09, इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास आ जाएगा 0.16 और 9.25 होते हैं, तो 0.25। अब यहाँ पर 0.25 इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ 256 हमें पता है कि 16 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि 16 का स्क्वायर होता है, और बाहर लिख दिया कि 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 आ जाएगा, इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अब 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, और बाहर एक और 2 है ये अपने पास पहले से, तो ये 4 का स्क्वायर, तो 16 की जगह पे ये 2 पहले से था, और इधर इसकी बात करें 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 1/4 आ जाएगा। तो 4 की पावर कितनी हो गई, 2 2 जा 4, और बाहर एक और पावर है 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 4 की पावर क्या गई 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4। या आपको डायरेक्ट ही पता है कि 4 की पावर 4 कितना होता है 256, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हैं, तो सीधे ही 256 की जगह 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करके 1/4, फिर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कितना 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।